फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th एंड टुडे आई एम गोइंग टू हैव द डिस्कशंस ऑन बायोलॉजी एंड द टॉपिक इज द डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। टॉपिक जो है इटसेल्फ हम लोग को कुछ कुछ आइडिया होगा, जैसे डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब होता है देयर आर द मेनी वेरिएशंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, प्लांट्स भी आता है, एनिमल्स भी आता है, जितने बैक्टीरिया आता है ये सब आ जाता है इसमें। तो ये जो टोटल ग्रुप है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरह से वो डाइवर्सिफाइड है, किस किस गुण के आधार पर वो इतना हम लोगों का जो ग्रुप बनाया गया है और ग्रुप क्यों बनाया गया है, ये सबसे पहला मुद्दा आ जाता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ग्रुप इसलिए बनाया जाता है, कोई भी चीज़ को साइंस में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, साइंस छोड़ दीजिए किसी भी सब्जेक्ट में, जब आप कोई एक समूह एक ग्रुप बनाते हैं तो क्या होता है, आपको उसको समझाने में, उसको समझने में, उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने में आपको बहुत सहूलियत, इट गेट्स ईजियर, राइट। इसलिए कोई भी चीज़ का क्लासिफाई किया जाता है। तो बायोलॉजी या साइंस में भी उसी तरह का क्लासिफाई किया गया है। आप यहाँ से लोग शुरू करते हैं, आप देखिए ऑर्गेनिज्म, दुनिया में ऑर्गेनिज्म तो सबको है, जो भी लिविंग है, जो रिस्पायर करते हैं, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो आपका मूवमेंट है जिसमें, वो सभी ऑर्गेनिज्म है। तो ये ऑर्गेनिज्म को दो रूप में बांटा गया है एकदम स्टार्ट से, क्या है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये दो क्या है, सेल का स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का मतलब ये हो गया, प्रोकैरियोट्स मतलब प्रिमिटिव। आप अगर हिस्ट्री में जाइएगा, जब सबसे पहले दुनिया का क्रिएशन हुआ था, उस समय जो सबसे पहले जो लिविंग क्रिएचर्स आए थे अर्थ में, वो क्या, एक सेल तैयार हुआ था, वन सेल एनिमल्स वर देयर, वो एक्चुअली प्रोकैरियोट्स वो सेलों को कहा जाता है। माने प्रो से मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, मतलब सबसे पहले तैयार हुआ था। और वहाँ पर क्या है, वो जो सेल था उसमें ना तो आपका सेल मेम्ब्रेन डिफाइंड था, ना न्यूक्लियस डिफाइंड था, लेकिन सब पार्ट्स आपको दिखता था, लेकिन वो बहुत बढ़िया से व्यवस्थित, इट वॉज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज्ड। ये प्रोकैरियोट्स जैसे आगे चला तो और एक फॉर्मेशन हो यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स कुछ नहीं है, एक एडवांस प्रोकैरियोट्स का एक एडवांस स्टेज का सेल्स है, जिसमें आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब कुछ जो है, इट वॉज वेरी डेवलप्ड। अब तो हम लोग दो तरह से बांट सके कि ऐसे एनिमल जिसका प्रोकैरियोट सेल्स है, एक जो यूकैरियोट सेल्स है, ठीक है। अब यूकैरियोट सेल्स को फर्दर फिर हम लोग देखते हैं कि दो तरह में बांटा गया। एक होता है यूनिसेल्युलर, मतलब सेल अगर एक एनिमल्स ऐसा है जिसका एक ही सेल का बना हुआ है, जैसे एमीबा है, तो उसको हम लोग यूनिसेल्युलर मान सकते हैं। उसी तरह यूकैरियोट्स का दूसरा समूह है जो मल्टीसेल्युलर, इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो होगा वो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ होगा, ठीक है। तो यूनिसेल्युलर में हमने एक एग्जांपल दिया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कैसा है, जो एक सेल का बना हुआ है, ठीक है। और मल्टीसेल्युलर फिर आगे हम लोग जाते हैं, तो मल्टीसेल्युलर में देखते हैं जो ऐसा एनिमल्स या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, उसको फिर फर्दर हम लोग क्या करते हैं, दो रूप में बांटते हैं। एक हो जाता है विथ द सेल वॉल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल वॉल है। हम लोग सेल जब पढ़े हैं तो उसमें क्या था कि किसी किसी में सेल वॉल है, किसी में सेल मेम्ब्रेन है। सेल वॉल रहता है तो उसको जनरली हम लोग एनिमल्स, मोस्टली एनिमल्स बोलते हैं। तो विद द सेल वॉल अगर है हम लोग देखते हैं, और एक है विदाउट द सेल वॉल, खत्म ही नहीं होता है। विद द सेल वॉल अगर है तो उसमें भी आपका दो समूह होगा, मैंने लिखा है, एक तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है और दूसरा से चीज है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। अगर विद सेल ऐसा ग्रुप जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, उसके ग्रुप में फंजाई आता है। फंजाई क्या है, जैसे ब्रेड सर जाता है तो देखिएगा उसके ऊपर ग्रीन तरह का एक प्लांट जैसा दिखता है, वह सरा हुआ पार्ट है, उस चीज को हम लोग फंजाई करते हैं। इसका बहुत कैटेगरीज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह फोटोसिंथेसिस ऐसा जिसमें आपका मैंने फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है, उसका एग्जांपल में प्लांट्स आ जाता है। इसका मतलब हम लोग क्या बोले, मल्टीसेलुलर का दो हिस्सा, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल का दो रूप हो गया, एक होता है जो जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है वो फंजाई है, और जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है उसमें प्लांट्स आता है। और मल्टीसेलुलर का जो हम लोग बताए कि विदाउट सेल वॉल, इसमें पूरा ग्रुप एनिमल्स आ जाता है। एनिमल्स का क्या है, हम लोग जानते हैं उसका जो सेल्स होगा वो सेल मेम्ब्रेन का बना होगा, उसमें सेल वॉल नहीं होगा। ये इनिशियल स्टेज का डिस्क्रिप्शन है। आपसे हम एडवाइस करेंगे कि आप बुक्स में जाइए, इसका कैटेगराइजेशन जो हम कैटेगरी कर रहे हैं, कैटेगरीज करना सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसका जो हाइलाइट्स है उसको आप पढ़िए,
क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, हम ये प्रोकैरियोट्स यूकेरियोट्स एक एक का डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, तब आपको समझने में इजी होगा. सो टिल देन गुड डे एंड गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर एंड यू स्टडी अप टू दिस फॉर्मेशन. इसको कॉपी में आप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, या आप स्नैपशॉट ले सकते हैं इसका, एंड यू गो थ्रू योर बुक्स. थैंक यू फ्रेंड्स. कितना 5 मिनट तक.